सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। दोस्तों, आजकल IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो हमारा पेज जो है लॉग आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। या फिर कई बार हमें यह देखने को मिलता है, जब हम पैसेंजर डिटेल फिल करते हैं, फिल करने के बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर देखने को मिलता है और ऑटोमेटिक IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट हो जाता है। यदि आप लोगों को भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले तो कमेंट करो और वीडियो को लास्ट तक देखना है, कि वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ यदि इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम आता है, IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है या फिर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है, तो आप लोगों को पहले सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट करना है। अपडेट कर लेने के बाद आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप 2 मिनट पहले लॉगिन करना है। मैंने कई बार देखा, यदि 1 मिनट पहले या फिर 30 सेकेंड 40 सेकेंड पहले लॉगिन करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन भी नहीं हो पाता है सही तरीके से। इतना सर्वर पर लोड हो जाता है, हम लोग पेमेंट तक भी नहीं पहुँच पाते हैं जब तक सीट खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को 2 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसके बाद आप लोग यहाँ पे फॉर्म स्टेशन 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है। काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका पेज लॉग आउट हो जाता है। आप लोगों को एग्जेक्ट 11:03-04 पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। यदि इस तरह से आप लोग सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पेज का लॉग आउट की जो प्रॉब्लम है काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल करना है। जब भी आप पैसेंजर डिटेल फिल करेंगे तो मास्टर लिस्ट में ऑलरेडी पैसेंजर डिटेल आपको पहले से सेव रहना चाहिए। और एक साथ जब टिकट बुक करना है तो आपको 1 से 2 नाम ही बुक करें, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 नाम टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को बुकिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसके बाद आपको पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट मेथड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बात किया जाए तो यहाँ पे पेटीएम आ रहा है फर्स्ट में, और सेकेंड नंबर में आप लोग UPI यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, इस टाइम UPI या फिर पेटीएम जो है उस टाइम के लिए यहाँ पे IRCTC तत्काल के टाइम पेमेंट ऑप्शन को हटा देता है, यानी कि फोन पे या फिर पेटीएम या फिर SBI बैंक को है उस टाइम के लिए वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 4 से 5 मिनट पहले आप लोगों को लॉगिन कर फाइनल पेमेंट तक पहुंच कर जाकर वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि पेटीएम का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फोनपे का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर SBI बैंक शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे तो फुल सर्टिफाइड हो जाएंगे कि पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास पेमेंट ऑप्शन वही सेलेक्ट करके यूज करना है। क्योंकि आप लोग मान लो कि अब SBI सेलेक्ट कर दिए, अब वहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे SBI या फिर IRCTC की वेबसाइट पे SBI बैंक है ही नहीं, क्योंकि आप लोग को जो पेमेंट ऑप्शन जो होता है आप लोगों को बैंक में SBI में पेमेंट रहेगा, अदर बैंक आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इन कारण भी आप लोगों का तत्काल टिकट मिस हो सकता है अप्रैल मई जून में। इस तरह के आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे। और इस तरह का प्रॉब्लम फिलहाल में भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।